गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले घाट रोड से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ओयो होटल में लड़की ने लड़के को चाकू मारकर घायल कर दिया, जहां दोनों ने अपनी सफाई पुलिस को दी है, किंतु पुलिस सत्य कारण की खोज करी है। गौरतलब है कि कल रात 2:30 बजे के दौरान इस मामले में घायल हुआ रामबाग निवासी उम्र 27 साल अनिकेत अशोक तिड़की एक 19 वर्षीय लड़की के साथ होंडा सिटी कार से शहर में घूम रहा था, जो वर्तमान में सावजी होटल में काम करता है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार अनिकेत के साथ घूम रही 19 वर्षीय लड़की मूल चंद्रपुर की है और वर्तमान में नेट के प्रिपरेशन के लिए मरीज नगर में रहती है। बहरहाल ये दोनों होंडा सिटी कार से शहर में कई जगहों पर घूमे और आखिर में घाट रोड स्थित सिल्वर नेक्स्ट ओयो होटल में रुके, जहां शायद दोनों के बीच बहस हुई, जिसके चलते आज सुबह लगभग 6 बजे लड़की ने अनिकेत को चाकू मारकर घायल कर दिया। दरअसल जानकारी सामने आ रही है कि अनिकेत और उस लड़की ने भी MD के नशे कर रखे थे, जहां सफाई देते हुए लड़की ने बताया कि अनिकेत उसे जबरदस्ती होटल लेकर आया और नशा देकर उससे गलत हरकत करने लगा, जिसमें बचाव के लिए उसने चाकू मारा है। लड़की के बयान के बिना पर अनिकेत पर जबरदस्ती करने का गुनाह दर्ज किया गया है, तो वहीं अनिकेत का कहना है कि वह इस लड़की को पैसे देकर लेकर आया था और नशे की हालत में उसने ज्यादा पैसों की मांग की और मना करने पर उसने अनिकेत पर वार कर दिया। इस मामले में दोनों के बयान के मद्देनजर दोनों पर मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या सच है, इस बात की तलाश पुलिस करी है। आज सकाळी आम्हाला माहिती मिळाली की 7 ते 7:30 दरम्यान एका मुलीमध्ये आणि एका मुलामध्ये सिल्वर नेस्ट हे हॉटेल आहे, हॉटेलच्या रूम मध्ये त्या मुलीने त्या मुलावर चाकूने हमला केला आहे। माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही आमच्या स्टाफने इथे येऊन दोघंही जखमी आहेत, दोघांनाही हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलेलं आहे आणि आम्ही अधिक चौकशी करत आहोत। त्याच्यामध्ये प्राथमिक माहितीनुसार त्या मुलीचं म्हणणं आहे की याने माझ्यावरती बळजबरी केली म्हणून मी हमला केलेला आहे आणि मुलाचं म्हणणं आहे की आम्ही दोघं बरोबर आलो होतो आणि बरोबर आलेला असताना तिने अचानक माझ्यावर हमला केलेला आहे असं मुलाचं म्हणणं आहे। मुलाचं नाव अनिकेत देडगे आहे आणि मुलीची आयडेंटिटी आम्ही डिस्क्लोज करू शकत नाही। तो मुलगा जो आहे तो एका हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करत होता असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। प्राथमिक माहिती आहे, व्हेरीफाय करतोय, दोन्ही दोघांचेही जबाब घेऊन आम्ही दोघांचेही गुन्हे दाखल करीत आहोत, अधिक तपासानंतरच याबाबतीत बोलणं योग्य राहील। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।